ऐसा क्या जवाब दिया संजय मांजरेकर ने कि भारतीयों को गुस्सा आ जाए? जवाब जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और इमाद वसीम ने वैलेंटाइन डे पर कराची वालों को तोहफा देने का ऐलान कर दिया। आखिर क्या है वो तोहफा? और फुटबॉल की तारीख में पहली बार सफेद कार्ड इस्तेमाल किया गया, आखिर क्यों? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज संजय मांजरेकर से जब ये पूछा गया कि तेंदुलकर और कोहली में से किसको क्रिकेट की तारीख का अजीम तरीन क्रिकेटर करार दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इन दोनों को साइड पर करते हुए वेस्ट इंडीज के वेव रिचर्ड का नाम लिया और इनके इसी जवाब ने भारतीयों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम 14 फरवरी वैलेंटाइन के रोज बाबर आजम की पिशावर जर्मी की प्लेइंग 11 को शिकस्त देने के लिए पुरजोश हैं। इमाद वसीम ने हाल ही में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पिशावर जर्मी से जीत कर कराची किंग्स को वैलेंटाइन का गिफ्ट देंगे। और शायकी ने फुटबॉल में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो पीले और सुरख कार्ड से वाकिफ ना हो। लेकिन बेनिफिका और स्पोर्टिंग लेस्बियन के दरमियान वीमेंस कप के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान दुनिया को व्हाइट कार्ड से मुतारिफ कराया गया, जो कि पुर्तगाल के नेशनल प्लान फॉर एथिक्स इन स्पोर्ट PNED के जरिए शुरू किए गए नए इकदाम के मुताबिक सफेद कार्ड को मैदान में मुनसफाना खेल के अमल को तस्लीम करने के लिए दिखाया गया है। वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।